नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड BSMCL पटना ने निकाली रुकतियां। बिहार में 24 घंटे में मॉनसून का असर होगा तेज। बिहार में नए सिरे से होगी बालू की बंदोबस्ती। बाढ़ का खतरा बरकरार, अब बागमती भी लाल निशान के पार। बिहार में विरोध के नाम पर जगह जगह हुआ बवाल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड BSMCL पटना ने निकाली रिक्तियां। बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड BSMCL पटना ने प्रशासनिक डेस्क अधिकारी, विधि अधिकारी, लेखाकार, सहायक के कुल मिलाकर 8 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास विधि अधिकारी के लिए 5 वर्ष के अनुभव के साथ कानून में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं अन्य सभी पदों के लिए बिहार या केंद्र सरकार में समान पद या रैंक में सेवानिवृत्ति होने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। बिहार या सरकार ने समान योग्यता प्राप्त की है। इसके साथ ही सभी पदों के लिए बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 30 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bsmcl.in पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी फॉलो कर सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बम्बईया हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे। वो एक पत्रकार भी थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत एवं कविताएं लिखी जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन, कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। उनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। 17 अप्रैल 1963 को इनका निधन हो गया था। 1933 में 62 कविताओं का इनका पहला संग्रह उमंग प्रकाशित हुआ था। पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा इनके काव्य और गीत संग्रह है। राजगीर के जापानी स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विश्व शांति स्तूप 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये स्तूप संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है और स्तूप के 4 कोनों में बुद्ध की 4 आकर्षक मूर्तियां हैं जो इस स्तूप को और भी मनमोहक बनाती है। इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए रोपवे से होकर आना पड़ता है या फिर आप सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस सफर को और भी रोमांचक बनाता है। स्थान की नैसर्गिक और प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाती है। बिहार में 24 घंटे में मॉनसून का असर होगा तेज। बिहार में दक्षिणी पश्चिम मॉनसून के अगले 24 घंटे में सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों की माने तो हरियाणा से नागालैंड तक, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम से होते हुए उत्तर पश्चिम ट्रफ रेखा, उत्तर पूर्व बिहार से ओडिशा की तरफ गुजरने से प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियों में थोड़ी तेजी के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व जिलों में अब मॉनसून का प्रभाव अगले 24 घंटे के दौरान देखने को मिलने वाला है। यानी कि आज भी पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में अपना प्रभाव दिखाएगा। वही बीते दिन की बात करें तो बीते दिन राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश का प्रभाव देखने को मिला। बिहार की 3 सड़क योजनाओं पर वन विभाग की सहमति का इंतजार। पिछले लगभग 15 महीने से बिहार के 3 सड़कों के फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला वन विभाग के पास अटका पड़ा है। पिछले साल ही मार्च महीने में राष्ट्रीय उच्च पथ से जुड़े इन सड़कों के फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला संबंधित विभाग को भेजा गया था, लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसके तहत 145 किलोमीटर सड़क नए सिरे से विकसित की जानी है। सरकार की तैयारियों के अनुसार मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर सेक्शन में NH-80 के 70.15वें 121वें किलोमीटर तक कुल 50.875 किलोमीटर की सड़क विकसित की जानी है। ये योजना 477.54 करोड़ रुपए की है। पिछले साल 31 मार्च को इस योजना के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला भेजा गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। इसी तरह अब NH-80 के ही 132वें और 190वें किलोमीटर यानी कि भागलपुर, कहलगांव, मिर्जा चौकी को 2 लेन में विकसित किए जाने का काम भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाने के कारण अभी तक अटका ही पड़ा है। बिहार में विरोध के नाम पर जगह जगह बवाल।
अग्निपथ योजना के नाम पर बिहार में बीते दिन बिहार बंद के साथ ही काफी ज्यादा उपद्रव देखने को मिला। सुबह से ही बिहार के विभिन्न जिलों में उपद्रवियों का आतंक दिखा, जिसके तहत ही पुलिस पर पथराव भी किया गया। सड़कों पर आगजनी की गई, पुलिस के अलावा अन्य वाहनों में भी आग लगा दी गई। इस दौरान दानापुर रेलवे स्टेशन 2 घंटे तक उपद्रवियों के कंट्रोल में रहा। इसके साथ ही पटना के मसौढ़ी में बिहार बंद का व्यापक असर दिखा। सुबह से दुकानें बंद रही, प्रदर्शनकारियों ने शहर और जीआरपी को बंधक बना लिया था। वहीं कटिहार में बिहार बंद के आह्वान के बीच जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी। सासाराम में भी काफी बवाल देखने को मिला। बिहार में अब 50 साल से अधिक उम्र वाले वृक्षों का होगा संरक्षण। बिहार में वैसे वृक्ष जिसकी आयु सीमा 50 साल को पार कर चुकी है, उन वृक्षों का अब संरक्षण होने वाला है। इसको लेकर हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। जारी किए गए इस पत्र में बिहार के विरासत वाले वृक्षों के संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में ही उन्होंने बिहार के विरासत में सभी प्रकार के 50 साल से अधिक उम्र वाले पुराने वृक्षों को शामिल किया गया। इस दौरान ही मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के माध्यम से राज्य के विरासत वृक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, साथ ही उन वृक्षों के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। बिहार में नए सिरे से होगी बालू की बंदोबस्ती। बिहार में बालू खनन पर रोक के कारण बालू को लेकर उत्पन्न हो रहे हालात पर अब बिहार सरकार ने एक्शन लिया है, जिसके तहत अब बिहार में नए सिरे से बालू की बंदोबस्ती का निर्णय लिया गया है। नई बंदोबस्ती योजना के अनुसार बंदोबस्त लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की 5 सालों के लिए बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। यानी कि अब बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के तहत बालू घाटों की बंदोबस्ती अब जिलाधिकार के स्तर पर होगी। 5 साल तक बंदोबस्ती होगी। बंदोबस्त लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की 5 साल के लिए बंदोबस्ती भी स्वीकृति करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार के इस नगर निगम के सभी वार्डों में बनेंगे शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर। पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डो में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का काम जल्द ही किया जा रहा है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए निगम क्षेत्र में इसकी जरूरत महसूस की गई है। इसके साथ ही 15वें वित्त आयोग की तरफ से शहरी स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान देने की अनुशंसा भी हो चुकी है। इस राशि से नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की योजना को निगम बोर्ड की अंतिम 26वीं बैठक में सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। साथ ही बोर्ड की बैठक में 16 योजनाओं को मंजूरी दी गई। बोर्ड ने जाते जाते यह फैसला लिया है। यह बोर्ड का अंतिम फैसला है। इन फैसले का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन में कोचिंग संस्थानों के शामिल होने की आशंका। बिहार के कई जिले जिस हिसाब से बीते 3 दिनों से धधक रहे हैं, उसने प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि छात्र इतने गुस्से में हैं क्यों, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार अग्निपथ के खिलाफ शुरू हुए विरोध में कोचिंग संस्थानों के सम्मिलित होने की आशंकाएं जागने लगी है। इसको लेकर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल उपकरणों पर कुछ कोचिंग सेंटरों के वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप संदेश मिले हैं। हम उस सामग्री के आधार पर कोचिंग सेंटरों की भूमिका की जांच कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम वीडियो फुटेज और व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर कोचिंग सेंटर किस तरीके से सम्मिलित है, इसकी भी जांच करने वाले हैं। देश के अन्य राज्य अपनाएंगे बिहार का ये मॉडल। बिहार के स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर मॉडल के सफल होने के बाद अब ये देश के अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नई दिल्ली में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर आयोजित विशेष कार्यशाला में बिहार की तरफ से पेश किए गए इस मॉडल को आधा दर्जन से अधिक राज्यों ने अपनाने की बात कही है, जबकि बाकी राज्यों ने बिहार में लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है। हालांकि इस दौरान कुछ एक राज्यों ने तो बिहार आकर स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया को देखने की बात भी कही है। कार्यशाला में शामिल हुए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस ने देश में पहली बार बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में विस्तार से सभी राज्यों को बताया भी है, जिसके बाद ही बिहार सरकार के इस मॉडल की चर्चा हर तरफ हो रही है। बाढ़ का खतरा बरकरार, अब बागमती भी लाल निशान के पार। बिहार में मॉनसून की अभी सही तरीके से एंट्री भी नहीं हुई है कि बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश के बाद सूबे की नदियों का बढ़ना एक बार फिर से तेज हो गया है। खबर के अनुसार कोसी सुपौल में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है, जबकि बागमती सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में लाल निशान को पार कर चुकी है। कोसी के बाद बागमती भी खतरे का निशान पार कर गई है।
जबकि कमला बलान मधुबनी में खतरे के निशान से महज 15 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं कमला मधुबनी के जयनगर में खतरे के निशान से मात्र 15 सेंटीमीटर, जबकि झंझारपुर रेल ब्रिज के निकट 40 सेंटीमीटर नीचे रह गई है। इन स्थानों पर नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद ही बिहार के विभिन्न इलाकों में बाढ़ की परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हर साल मानसून के आने के साथ ही बिहार में बाढ़ की परिस्थिति देखने को मिलती है और इस बार एक बार फिर से इसी के संकेत भी मिल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए बिहार के इतने स्कूलों का हुआ चयन। बीते दिन राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए राज्य भर से 410 स्कूलों का चयन करने का काम किया गया है, जिसके बाद ही अब इन स्कूलों में से राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय का चयन किया जाएगा। खबर के अनुसार अब यही 26 विद्यालय फिर राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। हालांकि अभी यह चयन की प्रक्रिया यहीं पर खत्म नहीं हुई है, बल्कि राज्य स्तर पर स्कूलों का चयन 30 जून तक जारी रहेगा, जिसके बाद ही 7 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित स्कूलों की सूची को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। बिहार इस बाबत शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो जिला स्तर पर 3 जून तक स्कूलों द्वारा स्व मूल्यांकन करके भेजा गया है। इसमें ही 410 स्कूल चयनित हुए हैं, लेकिन 532 स्कूलों का कोटा बिहार को मिला था। पूर्व मध्य रेलवे में 3 दिनों तक सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक ट्रेनों को किया गया रद्द। बिहार में सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्पातियों की तरफ से रेलवे को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद अब पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ही पूर्व मध्य रेलवे ने साफ किया है कि पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में सुबह 4 बजे से रात के 8 बजे तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। इस बाबत पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में चल रहे धरना प्रदर्शन के कारण यात्री सुरक्षा और संरक्षा के मद्देनजर दूसरे क्षेत्रीय रेलों से खुलकर पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने या पहुंचने वाली ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी तौर पर बदलाव किया गया है। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर सीएम नीतीश और राज्यपाल ने किया नमन। बीते दिन जहां एक तरफ बिहार बंद का शोर था तो दूसरी तरफ बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती का भी मौका था। इस मौके पर ही सीएम नीतीश और राज्यपाल ने उन्हें नमन भी किया। इसको लेकर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस मौके पर सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार विभूति को नमन किया। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री भी रहे थे, लेकिन दूसरे नेताओं से अलग उनकी पहचान सादगी से थी। भाजपा नेताओं को दी गई सीआरपीएफ की वाई श्रेणी सुरक्षा। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध की आड़ में पहले सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाने के साथ ही अब नेताओं पर भी निशाना साधा जा रहा है, जिसमें अब तक संजय जायसवाल और बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर भी उपद्रवियों ने हमला किया था, जिसके बाद ही अब भाजपा नेताओं की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। इसी को देखते हुए अब गृह मंत्रालय ने भाजपा के आक्रमण नेताओं को केंद्र सरकार की तरफ से सीआरपीएफ सुरक्षा मुहैया करवाया है। जानकारी के अनुसार भाजपा के कई नेताओं और विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। सभी नेताओं के यहाँ केंद्रीय बल के 12 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, भाजपा के आक्रमक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, दरभंगा के विधायक संजय सारवगी, दीघा से विधायक संजीव चौरसिया, डिप्टी सीएम रेणु देवी की सुरक्षा में भी सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। बिहार में हुए विरोध पर फूटा संजय जायसवाल का गुस्सा। बिहार में बीते दिन काफी विरोध देखने को मिला, जिसके तहत ही बिहार में जगह जगह पर आगजनी की गई, जिसके बाद ही अब बिहार में नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का गुस्सा फूटा है, जिसके तहत ही उन्होंने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान पहले तो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान ही संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के 3 जिलों में भाजपा दफ्तरों को जला दिया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में भाजपा को टारगेट किया जा रहा है। वहीं योजना को लेकर जदयू के विरोध पर संजय जायसवाल ने कहा कि उन्हें किस चीज से आपत्ति है वो बताएं। इस मामले में सुनियोजित ढंग से साजिश करते हुए बिहार को बदनाम किया जा रहा है। बिहार बंद को मुकेश सहनी ने बताया सफल। बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसका समर्थन पहले ही महागठबंधन ने कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी बंद को लेकर बीते दिन अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही उन्होंने पहले तो इस बिहार बंद को सफल बताया और उसके बाद युवाओं के समर्थन की सराहना भी की, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि बंद को असफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश कर रखी थी, लेकिन जनता के समर्थन से ये कार्यक्रम सफल रहा।
कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर की गई जबरदस्ती की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार भाजपा के आरोप पर जदयू का पलटवार, अग्निपथ योजना को लेकर एनडीए में भी खींचतान शुरू हो गई है। जहां एक तरफ इस विरोध को लेकर संजय जायसवाल ने भाजपा को निशाना बनाए जाने की बात कही है, साथ ही पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिया है, जिस पर अब जदयू ने भी पलटवार किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, वो जानते हैं कि कैसे सरकार चलती है। ललन सिंह यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन आखिर संजय जायसवाल को क्यों टारगेट करेगा। संजय जायसवाल इस मामले में लोगों को समझाए, जदयू को नहीं। नीतीश कुमार को सब पता है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। बिहार बंद का समर्थन तो किया, लेकिन मैदान से गायब दिखे तेजस्वी, राजद ने दी सफाई। जिस हिसाब से ट्विटर पर तेजस्वी अपनी बातें कहते हैं या एक्टिव हैं, उस हिसाब से उनके मैदान में एक्टिव होने की आस इस बार भी आस ही बनी रही, क्योंकि बिहार बंद के समर्थन का तो उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन बात जब मैदान में उतरने की आई तो तेजस्वी मैदान में थे ही नहीं, जिस पर ही अब राजद ने भी सफाई पेश की है, जिसके तहत ही राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से मीडिया कर्मियों ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर तेजस्वी यादव है कहां, तो उन्होंने साफ कहा कि बिहार का हर युवा तेजस्वी यादव का सिपाही बनकर सड़कों पर खड़ा है। नौजवान आज सड़कों पर है, बेरोजगारी की मार से परेशान है। तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा है कि ये नौजवानों के साथ छलावा है, जुमलेबाजी है। 2 करोड़ नौकरी हर साल दावा करने वाली सरकार जुमलेबाज है। अब जब लोकसभा चुनाव 1.5 साल दूर है तो फिर से नौजवानों के साथ धोखेबाजी और जुमलेबाजी कर रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। उत्तराखंड सरकार ने 2008 में गंगा पार निर्माणाधीन 480 मेगावाट की पाला मनेरी और 380 मेगावाट की भरौंधारी परियोजना को स्थगित किया। बौद्धिक संपदा कानून पर 19 जून 1996 कोचिन एवं अमेरिका में हुए समझौते पर सहमति बनी। पहला फादर्स डे वॉशिंगटन में 19 जून 1910 को मनाया गया। दास कैपिटल के लेखक और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने 1843 में विवाह किया था। उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का जन्म 1931 को हुआ। भारतीय नेता और भारत के संसद के सदस्य राहुल गांधी का जन्म 1970 को नई दिल्ली में आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,000 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,710 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 94.04 रुपए प्रति लीटर थे। अफ्रीकी दिग्गज जिल स्टेन ने बताया दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से किसे मिलेगा वर्ल्ड कप में मौका। दिनेश कार्तिक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मैच में अपने करियर की पहली 50 जड़कर भारत को करो या मरो के मुकाबले में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज 2-2 के बराबर कर ली और सीरीज का निर्णायक मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। टीम में वापसी के बाद से ही दिनेश कार्तिक के प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा हो रही है और उन्हें वर्ल्ड कप टीम में भी जगह मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज डेल स्टेन से जब पूछा गया कि क्या अभी के लिए दिनेश कार्तिक ने T20 वर्ल्ड कप टीम में पंत की जगह को अपना बना लिया है, इस पर ESPN क्रिक इन्फो को स्टेन ने बिना ज्यादा समय लिए बताया कि हाँ, ये निश्चित रूप से ऐसा ही होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक वापस से अपने फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। अभी भी नहीं रुकी भूलभुलैया 2 की रफ्तार। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और तब्बू की फिल्म भूलभुलैया 2 का बीते दिन OTT प्रीमियर का ऐलान हुआ, जिसने दर्शकों को काफी एक्साइटेड कर दिया। हालांकि इसके बाद भी फिल्म को दर्शक फिल्म थिएटर में ही देखना पसंद कर रहे हैं। पांचवें शनिवार भी फिल्म का कलेक्शन करोड़ों में रहा, जहां एक तरफ तीसरे हफ्ते फिल्म ने 163.15 करोड़ रुपए और चौथे हफ्ते 176.14 करोड़ का कलेक्शन किया, वहीं फिल्म ने पांचवें शनिवार को 1.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बता दें कि फिल्म का कुल कलेक्शन 177.29 करोड़ रुपए का हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भूलभुलैया 2 को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। फिल्म में रूह बाबा बनकर कार्तिक ने दर्शकों का दिल जीता है, वहीं कियारा आडवाणी ने कार्तिक के लव इंटरेस्ट का किरदार निभाकर जलवा बिखेरा है। व्हाट्सएप ग्रुप यूजर के लिए ला रहा है एक शानदार फीचर। व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए एक के बाद एक नए फीचर्स को रोल कर रहा है। इसी कड़ी में अपने यूजर के लिए एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अब व्हाट्सएप ने एक और नए फीचर को रोल कर दिया है, जो यूजर को और नई सहूलियत देने जा रहा है। नए अपडेट के अनुसार अब व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन को अप्रूवल का फीचर मिलने जा रहा है। इसे भी अब इनेबल करने के बाद अगर लिंक के जरिए ग्रुप में शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए अब एडमिन का अप्रूवल लेना होगा। ऐसे में ग्रुप एडमिन को काफी सहूलियत मिलने वाली है और किसी को भी वो
मना भी कर सकते हैं। इस नए फीचर को लेकर WABETA इन्फो ने सारी जानकारी साझा कर दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार प्रसाद, नुन्नू कुमार, राजकुमार सिंह, मिंटू कुमार, मनोज कुमार, सुनील कुमार सिंह, आलोक कुमार आर्यवत, प्रमोद कुमार, तौफीक आलम, प्रिया यादव ऑफिशियल, प्रभात कुमार, मनीष कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार बंद के दौरान हुआ विरोध सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।